लेक्चर नंबर 39 एंड आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मेट इन एक्सेल। मेरा नाम है मोहित शर्मा एंड क्विकली स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लें तो आप देख सकते हैं साइंटिफिक लास्ट लेक्चर हमने किया था और अब आ गया है टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी। अभी आप नोटिस करें ये जो आपका सेल है इस पे जो डेटा लिखा गया वो है न्यूमेरिक डेटा, और अगर आप इस डेटा की जो पोजीशन है इस सेल में वो चेक करें तो ये राइट साइड पे दिया हुआ है, यानी टेक्स्ट या सेल ये है आपका और जो वैल्यू है वो राइट साइड पे जा रही है। अगर किसी भी सेल पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो आप इसको चेक करें, ये आपके जो सेल है उसके लेफ्ट पे गया हुआ है। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि आपके पास जो भी सेल है, चाहे इस सेल की बात करें या इस सेल की बात करें या किसी भी, उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो है जनरल। ये आप ऊपर देखें या लिखा हुआ है जनरल। जनरल में आपके पास नंबर जो होता है वो राइट साइड पे जाता है और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे जाता है। नाउ हमारे पास एक फॉर्मेट है और वो है टेक्स्ट। वो क्या करता है, अगर मैंने नंबर के ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेट ले लिया तो ये आपके इस नंबर को लेफ्ट साइड पे कर देगा। अब देख सकते हैं आपका जो नंबर था वो लेफ्ट साइड पे चला गया। अब ये लेफ्ट साइड पे क्या शो कर रहा है, जैसे टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे गया था, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो सेल के लेफ्ट साइड पे जाता है। जब आप नंबर के ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वो नंबर्स को भी लेफ्ट साइड पे ले गया है, और ये शो ये कर रहा है कि ये अब नंबर नहीं रहा, ये बेसिकली एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, बल्कि पहले हम लोग सारे सेल को सारे जितने भी सेल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट, और अब हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ मार्क आ रहा है आपके पास, ये ग्रीन कलर का, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि अभी जो आपने नंबर्स लिखे हैं ये सारे, ये एक्चुअली में नंबर ट्रीट नहीं हो रहे, ये नंबर नहीं है बल्कि ये टेक्स्ट हैं। और ये जो नंबर्स हैं अगर आप इनके साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो एक्सेल आपको बेसिकली गाइड कर रहा है कि ये फ्यूचर में कोई जो भी फार्मूला आप लगाएंगे वो आपको कुछ गलत रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली में नंबर है ही नहीं, ये इसको ट्रीट कर रहा है एज स्ट्रिंग और टेक्स्ट। सो लेट्स सी, हम लोग चेक करते हैं कि हम सम कर लेते हैं इस सब डेटा में पैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। अगर यही वैल्यू मैं इधर रख लूँ, ये जनरल फॉर्मेट है, और यहाँ पे यही फंक्शन लगा लूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनका एडिशन वो आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक्सेल आपको यहाँ पे खुद गाइड कर रहा है कि ये सारा टेक्स्ट है और ये ऐड नहीं हो सकता। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी, और मैं आपसे कहूँ कि इस सेल में आपने इन सबको ऐड करना है, ऐड करना। सो करते हैं इक्वल साइन सम, और इस सबको हमने ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि इसको ऐड करके आंसर आएगा क्या, ये तो नंबर्स ही नहीं। एग्जैक्टली सेम केस यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी नंबर्स नहीं, ये टेक्स्ट है। तो जब आप टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ अजीब सा आएगा, जैसे इसको ऐड करके रिजल्ट अजीब सा आया, इनको भी ऐड करके रिजल्ट आपका स्ट्रेंज ही आने वाला है। एक्सेल बेसिकली आपको गाइड कर रहा है कि ये वो है नंबर नहीं। अच्छा, इनके साथ ग्रीन मार्क जो आ रहा है वो तो अलर्ट है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर लें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है, जिस पे कुछ आ रहा है, द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रिसीडेड बाय एन अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी से भी आप लोग टेक्स्ट बना सकते हैं नंबर को। तो वो बेसिकली आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे आके, इसे कहता हूँ कि इसको स्टोर करो, नंबर स्टोर हुआ हुआ एज टेक्स्ट, आप इसको कन्वर्ट कर दो टू नंबर। सो लेट्स सी करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही नंबर पे कन्वर्ट हुआ ये राइट साइड पे चला गया। इसी तरह अगर हम इसको क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू नंबर, कन्वर्ट टू नंबर, कन्वर्ट टू नंबर, और अब हम अप्लाई करते हैं इसको इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अभी भी देखें हमारा रिजल्ट सही नहीं आया, हालांकि हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन एक्सेल इसको अभी भी सही रिजल्ट नहीं दे रहा। अब हम किस क्या करें कि ऐसा सही कुछ ऐसा क्या करेंगे वो रिजल्ट आ जाए। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। हमारा जो परफेक्ट तरीका है इसको करने का वो ये कि आप इस सब को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दें इनटू नंबर, नंबर कर दें और एक दफ़ा डबल क्लिक करें और एंटर। अब ट्राई करते हैं हम लोग
यहाँ पे कि हमारा रिजल्ट जो है वो आता है या नहीं। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नॉर्मल जनरल फॉर्मेट, दैट इज अ नंबर। हाँ जी, अब हमारा जो रिजल्ट है वो सही आने लग गया, यानी हम जब भी किसी भी टेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे तो उसके लिए दो स्टेप करते हैं आपने। पहला आपने इसके ऊपर नंबर को क्लिक करना है और उसके बाद उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना और फिर एंटर करना है, तो फिर वो कैलकुलेशन के लिए रेडी हो जाएगा, वरना वो आपको गलत रिजल्ट देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको क्यों हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। तो वो उसका आंसर है आपके पास और मेरे पास, वो ये कि अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स सपोज एक CNIC है, लेट्स सपोज ये एक CNIC है, हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नंबर, और एक और भी CNIC है हमारे पास, और मैं आपसे कहूँ कि इन दो CNIC को आपने ऐड कर, आपको पता है कि CNIC तो हम कभी भी ऐड नहीं करते, CNIC हम क्यों ऐड करेंगे। तो फिलहाल ये एक नंबर है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू टेक्स्ट, और टेक्स्ट तो खैर ये बहुत बड़ा हो गया इसलिए वो उसको ट्रीट करा एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन अगर आपके पास नंबर बहुत बड़ा है और ऐसा नंबर है फॉर एग्जांपल जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट के रोल नंबर है, अब ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको कभी भी हम ऐड नहीं करना चाहेंगे, ये तो रोल नंबर्स हैं। तो इस सिचुएशंस के लिए हम लोग जो फॉर्मेट ले सकते हैं वो है टेक्स्ट। देखते ही पता लग जाएगा कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप कैलकुलेट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए लेफ्ट साइड पे किया होगा। इसके अलावा अगर आप फोन नंबर लिख दें, किसी का फोन नंबर है फॉर एग्जांपल, तो वो भी कभी भी हम कैलकुलेट नहीं करते, तो उसको भी हम लोग अक्सर टेक्स्ट फॉर्मेट में ले जाते हैं ताकि देखते साथ ही पता लग जाए कि ये एक नंबर नहीं है बल्कि एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में आया हुआ है लेकिन उसकी कैलकुलेशन की जरूरत आपको नहीं है। सो ये है एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मेट जो आज हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ आते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।